हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको गुडविल चैप्टर में सेकंड मेथड करवाऊंगा। ये मेरा सेकंड लेक्चर है गुडविल चैप्टर का। सेकंड मेथड हम सीखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, गुडविल कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोला है, इन्होंने सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे ऐसा। यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब हमें यह देखना है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट पॉइंट कि क्वेश्चन में सीधा आपको दिया हुआ है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। दूसरा, क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको देखना है कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही यूज करना है, या फिर प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो भी हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। नाउ यहां पर देखिए प्रॉफिट कितना है, पहले 60, 70, 90, 1,10,000। 13-14 में प्रॉफिट हुआ है 60,000, और उसके बाद एवरी ईयर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। सो अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा या प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये स्टेटमेंट बनाना है आपको। फर्स्ट ईयर लिखेंगे, देन प्रॉफिट, नाउ वेट। अगर क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए हैं तो ठीक, नहीं दिए हुए हैं तो आपको 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे वेट्स लेने हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे वेट्स आपको लेने हैं। अगर क्वेश्चन में दिए हुए हों तो वो लेंगे, नहीं तो फिर हम 1, 2, 3, 4 लेंगे। अब हमें वेटेड प्रॉफिट कर कैलकुलेट करना है। वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सो ये जो कॉलम है यहां पर हम प्रॉफिट इनटू वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रॉफिट है 60,000 इनटू 1, तो आंसर आएगा 60,000। 70,000 इनटू 2, तो आंसर हो जाएगा 1,40,000। 90,000 इंटू 3, 2,70,000 एंड 1,10,000 इंटू 4, 4,40,000। अब इतना करने के बाद हमें वेट्स का टोटल करना है। 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9 एंड 1 = 10। यह है वेट्स का टोटल। देन हम वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसे आप क्या कहोगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट, यहां पर टोटल लिख दीजिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसका मींस जो टोटल आएगा फाइनल वो होगा। सो 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 440, तो ये आ रहा है टोटल 9,10,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल वेट्स। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट आया है हमारा 9,10,000 डिवाइड बाई टोटल वेट्स 10। सो 9,10,000 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 91,000। ये इन्होंने टोटल वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करके जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। अब अगर गुडविल पूछा भी होगा
सो गुडविल हमें क्या करना है, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे अगर गुडविल पूछा हुआ हो तो। इस क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही पूछा हुआ है, सिर्फ हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ गुडविल भी पूछा हुआ है। सो पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन हो जाए तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। सो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्या आपका रिकॉर्ड हो चुका होगा, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर्स के वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर गुडविल कैलकुलेट करता है। मीन्स पहले तो हमें लास्ट 5 ईयर्स का वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर गुडविल कैलकुलेट करना है। सो नाउ देखते हैं, 5 ईयर्स दिए हुए हैं, 12-13 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। प्रॉफिट 40,000। 13-14 प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। 14-15 75,000। 15-16 90,000। 16-17 120,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में डेट और प्रॉफिट का कभी भी टोटल नहीं होता है। यहां पर देखिए सारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 40, 60, 75, 90, 120। सो अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा होता तो भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही अप्लाई करते। हाँ, बीच में ऐसा होता कि एक बार भी प्रॉफिट चेंज हो गया, जैसे 40 में से 60 हुआ इंक्रीज हो गया, 60 में से 75 इंक्रीज हो गया, अब एक साल के लिए 75 में से 70 हो गया, तो वहां हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई नहीं करना है। नाउ वेट्स, अगर क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल होगा 15। नाउ टोटल वेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू वेट 40,000 into 1 40,000, 60,000 into 2 120,000, 75,000 into 3 225,000, 90,000 into 4 360,000 and 120,000 into 5 6 lakhs। Now total weighted profit का total करेंगे 40,000 plus 120 plus 225,000 360 and 6 lakhs। So answer आ रहा है 13,45,000। 13,45,000। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट 13,45,000 डिवाइड बाय टोटल वेट्स 15। सो 13,45,000 डिवाइड बाय 15। सो ये आंसर आ रहा है 89,000
666.67, यह है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन में गुडविल कितनी कैलकुलेट करनी थी, सो लास्ट 5 ईयर्स का वेटेड प्रॉफिट हो और गुडविल उसका 3 ईयर्स होना चाहिए, 3 ईयर्स गुडविल। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 89,666.67 into 3 करेंगे, 89,666.67 into 3 तो ये आंसर आ जाएगा 269,000 रुपीज एंड 01 पैसा। मीन्स अगर 0.1 पैसा को इग्नोर भी कर दें तो फाइनली 269,000 गुडविल हो जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने पहले वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, एंड देन गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ आपने आगे जहां फॉर्मूला वाले पेजेस छोड़े थे वहां पर आप लिख लीजिए कि जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हमें स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में स्टेप टू आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, स्टेप नंबर टू में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके ये फॉर्मूला लिख देंगे आप कहाँ पर, जो आगे आप 4-5 पेज छोड़कर आए हो वहाँ पर, एंड देन गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट मेथड करवाऊँगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन उसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।